नमस्कार दोस्तों, मछली में लाइफ में फिर स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ गैस टैंकर शिप्स के बारे में और सैलरी क्या होती है गैस टैंकर शिप्स की, जीपी रेटिंग के बाद या ऑफिसर लेवल पे क्या सैलरी होती है गैस टैंकर शिप्स, और गैस टैंकर शिप्स में कौन कौन से प्रोडक्ट कैरी किए जाते हैं इसके बारे में आज बताऊंगा। पहली बात तो ये बता दूं, गैस टैंकर दो दो होती हैं गैस टैंकर शिप्स, एक एलएनजी कैरियर होता है, एक एलपीजी कैरियर्स होते हैं। तो गैस टैंकर शिप दो टाइप के होते हैं, फुली प्रेशराइज्ड होते हैं जो गैस टैंकर शिप्स होते हैं, उनका शेप अलग होता है पूरा। जितने अभी आप लोग टैंकर वेसल पे देखे होंगे तो उसमें पाइप्स लगी रहती हैं, या कंटेनर शिप्स में देखे होंगे तो कंटेनर रखे रहते हैं, हैचेस बने रहते हैं, बल्क कैरियर में हैचेस रहते हैं, तो अलग टाइप के होते हैं। उसमें एक गोल टाइप का होता है, सिलेंडर टाइप का शेप होता है, क्यूबिक टाइप का शेप होता है, तो उसका शेप एकदम अलग होगा। आप गैस टैंकर शिप्स में अलग ही एक शेप होता है, आपको फोटो दिखाऊंगा अभी, ये स्क्रीन पर आ रही होगी फोटो, तो ये फोटो देखो, ऐसी टाइप की होती है गैस टैंकर शिप्स। और बेसिकली एलएनजी एलपीजी कैरियर जो होते हैं, एलएनजी एलपीजी ले जाता है ज़्यादातर, और बेसिक ये होता है कि ये ज़्यादा बड़े नहीं बनाया जाता है, जितना ही मैंने देखा होते हैं यूएलजीसी भी होते हैं, बड़े बड़े शिप्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लोग गैस टैंकर शिप्स देखोगे तो छोटे साइज़ के होते हैं, ज़्यादा बड़े शिप्स नहीं होते, छोटे साइज़ के होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 जीआरटी तक होते हैं लास्ट होता है, तो बड़े भी बनते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े नहीं हैं, बड़े भी हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लोग देखोगे चल रहे हैं अभी, सेल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ज़्यादा छोटे ही छोटे वेसल्स हैं, बड़े भी हैं, बड़े भी चल रहे हैं। तो बेसिक गैस टैंकर की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, गैस टैंकर हो गया आपका, केमिकल टैंकर हो गया, ये सब की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली अगर ऑयल टैंकर के हिसाब से आप लोग देखोगे, ऑयल टैंकर में आपकी सैलरी बन रही है 1500, 1900, 2000 डॉलर, ए बी ऑयलर की बात बता रहा हूँ। तो गैस टैंकर में और ज़्यादा होता है, 200-300 डॉलर और एक्स्ट्रा बनता है, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। जितने भी आप लोग केमिकल या गैस टैंकर शिप्स पे जाओगे, ऑयल टैंकर शिप्स पे जाओगे, तो उसका रिस्क ज़्यादा होता है, अलग से कोर्स करना पड़ता है गैस टैंकर और ऑयल टैंकर और केमिकल टैंकर का, जब भी आप लोग शिप ज्वाइन कर रहे हो। तो बेसिक यही है कि इस शिप में जब भी गैस टैंकर शिप ज्वाइन करोगे उसका पैसा थोड़ा ज़्यादा बनता है बाकी शिप्स के मुकाबले, चाहे बल्क कैरियर हो या कोई भी कैरियर हो, उस हिसाब से इस हिसाब का जो गैस टैंकर पे जा रहे हो तो उसका सैलरी थोड़ा ज़्यादा बनेगा, 1800-2000 हर शिफ्ट में। अगर आपके पास ए बी ऑयलर का एक्सपीरियंस है, एज ए गैस का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो अच्छा पैसा कमा लोगे गैस टैंकर शिफ्ट पे। अगर 6-7 महीना भी अच्छे से आप लोग सेल कंटिन्यू मार लिए तो 5-7-8 लाख-9 लाख रुपये उठा के ले आ सकते हो, क्योंकि गैस टैंकर में बहुत पैसा होता है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। बाकी शिप्स में ज़्यादा रिस्क होता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होएगा, गैस टैंकर शिप्स पे जा रहे हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि रिस्क है, ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें सेल करना नॉर्मल सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। आपको सर्टिफिकेट चाहिए, SCCW सर्टिफिकेट, जैसे कोर्स करते हो तो उसका भी कोर्स होता है, जैसे मैंने बताया था, तो गैस टैंकर का भी कोर्स होता है, वो 5 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर बड़ी कंपनियों में जा रहे हो तो एक एक्स मार्कर की कंपनी है जिसके पास गैस ही गैस टैंकर है, गैस टैंकर ही आपको मिलेगी, LPG LNG कैरियर है उसके पास, तो XMAR, अगर आपके पास गैस का एक्सपीरियंस है तो XMAR कंपनी में जाओ, बहुत ज़्यादा वेसल्स हैं XMAR के पास, 80 से ज़्यादा वेसल्स हैं XMAR के पास, और यूरोप की कंपनी है, कोई यूरोप की कंपनी है, तो उसका भी ऑफिस मुंबई में ही है, मेन ऑफिस अगर आप जाओगे तो वहाँ पे मुंबई मिलेगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप गैस टैंकर शिप्स में आना चाहते हो तो आपको 2-3 वेसल गैस के मारने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप लोग कोई सब बड़ी कंपनियाँ लेंगी। हर कंपनियों के पास है, ऐसा नहीं है गैस फ्लीट के पास है, एंग्लो के पास भी है, हर कंपनियों के पास गैस मिलेगा, लेकिन गैस की सैलरी बहुत ज़्यादा है भाई, अगर जो भी बंदा जाना चाहता है तो एक्सपीरियंस चाहिए, फर्स्ट एक्सपीरियंस बनाओगे उसके बाद आपको मिल जाएगी, ये सब बड़ी कंपनियों में आप आराम से मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है और काम नॉर्मल होता है, काम ज़्यादा नहीं होता। नए नए शिप्स मिलेंगे आपको काम करने को, UMS क्लास वेसल्स होते हैं सारे जितने भी गैस पे जाओगे, और ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, नॉर्मल काम करते रहो, और छोटी वेसल्स होती है तो काम भी आसान होता है, गैस की बात बता रहा हूँ, छोटे वेसल्स होते हैं तो काम भी ज़्यादा नहीं होता, आराम से गाला भी मारते रहो बीच बीच में। तो ओवरऑल जो भी मेरे से पूछता है गैस के बारे में तो बता दिया, छोटे छोटे वेसल्स आप लोग सेल कर सकते हो, क्योंकि यार बड़े बड़े वेसल्स पे मिलता नहीं है जल्दी, मिलता है अगर आप लोग अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा बड़ा वेसल्स भी। तो यही हिसाब है गैस टैंकर में, अगर आप जाना चाहते हो तो अच्छा है, पैसा अच्छा कमा लोगे गैस टैंकर में, अच्छा पैसा बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही है, जो भी होगा मेरे को कमेंट करना, गैस के लिए मैंने बता दिया आप लोग को, सैलरी बहुत अच्छी है गैस पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।